हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजीवे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजीवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछले के वीडियो क्लिप हमारे द्रव की भौतिक अवस्था में परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा चैप्टर से थे। ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम इसी चैप्टर से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्नों को लेकर के आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लाभ होगा। तो आइए, इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अमोनिया को वाष्पन द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को जमाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ज्ञात कीजिए, 1 किग्रा द्रव अमोनिया के वाष्पन द्वारा कितने ग्राम बर्फ बनेगा। दिया है बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.304 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा और अमोनिया की गुप्त ऊष्मा 1.34 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा। तो सवाल एक बार फिर से देखें, अमोनिया को वाष्पन द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को जमाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। ज्ञात कीजिए, 1 किग्रा द्रव अमोनिया के वाष्पन द्वारा कितने ग्राम बर्फ बनेगा। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.34 × 10⁵ जूल प्रति ग्राम तथा अमोनिया की गुप्त ऊष्मा 1.34 × 10⁵ जूल प्रति ग्राम। तो सवाल में जैसे रेफ्रिजरेटर में अमोनिया को यूज किया जाता है टेम्परेचर को कम करने के लिए, अमोनिया का वहां पर वाष्पन होता है और वाष्पन होने के लिए चूंकि उष्मा की आवश्यकता होती है, तो अमोनिया के वाष्पन के लिए उष्मा रेफ्रिजरेटर में जो भी खाद्य पदार्थ रखा होता है उससे उष्मा मिलता है। यानी रेफ्रिजरेटर में जो पदार्थ रखा होता है वो उष्मा को देता है और अमोनिया उष्मा को लेता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेटर में जल भरा हुआ है, जल रखा हुआ है, उसको बर्फ के रूप में परिवर्तित करना है, यानी उसका टेम्परेचर कम करके जल को क्या करना है, बर्फ बनाना है। और इसके लिए अमोनिया लिक्विड से वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रही है। तो टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, अमोनिया द्रव अवस्था से गैस अवस्था में और जल द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अमोनिया वाष्प अवस्था में बदलने के लिए उष्मा को लेगा और जल अमोनिया को उष्मा देगा। तो कैलोरीमिति के सिद्धांत के अनुसार हम जल द्वारा दी गई उष्मा बराबर अमोनिया द्वारा दी गई उष्मा के हिसाब से देखेंगे। तो सरसर में लिखेंगे कि कैलोरी मिति के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार जल उष्मा दे रहा है और अमोनिया उष्मा ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, जल द्वारा दी गई उष्मा उष्मा बराबर अमोनिया द्वारा ली गई उष्मा। तो जल उष्मा दे करके अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा, द्रव से ठोस अवस्था में हो रहा, और अमोनिया उष्मा ले करके अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अवस्था परिवर्तन में जो उष्मा लगती है वो गुप्त उष्मा गुणे पदार्थ के द्रव्यमान से ज्ञात की जाती है। तो जल द्वारा दी गई उष्मा लिखेंगे, इंप्लाई दैट
जल द्वारा दी गई ऊष्मा जल का द्रव्यमान, मान लेते हैं एम है, एम गुणे जल की गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10^5, ये एम इंटू एल जल का द्रव्यमान पूछा गया है, तो जल के द्रव्यमान को हम एम मान लेते हैं और गुप्त ऊष्मा 3.34 इंटू 10^5 जो प्रतिक्रिया है जल के लिए, और अमोनिया का द्रव्यमान हम अमोनिया चूंकि ऊष्मा ले रही है और अवस्था परिवर्तन के लिए ली गई ऊष्मा भी एम इंटू एल होगा क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है केवल अवस्था परिवर्तन हो रहा है, तो अमोनिया का द्रव्यमान 1 kg, ये 1 kg गुणे इसकी गुप्त ऊष्मा 1.34 इंटू 10^5। आसान सा सवाल हो गया, यहां से जल का द्रव्यमान एम इक्वल टू निकालना होगा तो हम निकाल लेंगे, ट्रांसफर कर देंगे 1 × 1.34 गुणे 10^5 अपान 3.34 इंटू 10^5, ये कटेगा और ये हो जाएगा 1.34/3.34 और ये आ जाएगा 0.4 किग्रा। ये हमारा आंसर बन जाता है। तो यहां पर जल द्वारा ऊष्मा दी जा रही है तो उसके लिए दी गई ऊष्मा निकाल लेंगे, उसका द्रव्यमान गुणे जल की गुप्त ऊष्मा, और अमोनिया द्वारा ऊष्मा ली जा रही है तो ली गई ऊष्मा को निकाल लेंगे अमोनिया का द्रव्यमान गुणे अमोनिया की गुप्त ऊष्मा। तो इस फॉर्मूले में रख करके आप निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, आगे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है, बताइए 100 ग्राम बर्फ को बिना ताप बदले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल में परिवर्तित करने के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, केवल बर्फ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करना है। तो ऐसी स्थिति में ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन के लिए हम जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसको सीधे Q = पदार्थ का द्रव्यमान गुणे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा लिख लेते हैं। तो यहां से हो जाएगा सोल्यूशन में कि 100 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा सीधा सा फॉर्मूला है Q = m × L, जहां m क्या है, बर्फ का द्रव्यमान और L जो है बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा। आंसर आपके सामने है Q = 100 × 80, क्योंकि 80 क्या है, 80 कैलोरी प्रति ग्राम बर्फ की गुप्त ऊष्मा है। तो यहां हो जाता है Q = 8000 कैलोरी, और अगर किलो कैलोरी लिखना चाहे तो लिख देंगे Q = 8 kcal, ये आपका आंसर हो गया। ये छोटा सा सवाल था जिसको आप आसानी से कर सकते थे। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। ये हमारा तीसरा सवाल था कि 5 ग्राम तांबे के टुकड़े को भट्टी में गर्म करके बर्फ में डाल दिया जाता है, यदि 6.25 ग्राम बर्फ पिघल जाती है तो भट्टी का ताप ज्ञात कीजिए, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है 80 कैलोरी प्रति ग्राम एवं तांबे की विशिष्ट ऊष्मा है 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर बर्फ को पिघलाया जा रहा है, बर्फ को पिघलने के लिए ऊष्मा चाहिए और वह ऊष्मा उसके गुप्त ऊष्मा
और उसके द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होगा, जैसा कि आप जानते हैं कि Q बराबर m इंटू एन। तो इतना ऊष्मा कहां से मिलेगा? वो मिलेगा तांबे के टेम्परेचर के गिरने से। तो तांबे का टेम्परेचर मान लेते हैं अगर टी हो, जिस भट्टी में तांबे को डाला गया है, अगर भट्टी का टेम्परेचर टी है तो तांबे का टेम्परेचर भी टी हो जाएगा। और उस तांबे से अगर बल्ब ऊष्मा ले रहा है तो उसका टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरते गिरते बल्ब के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है, क्योंकि और कोई टेम्परेचर इस सवाल में मेंशन नहीं किया गया। तो तांबे का टेम्परेचर जो होगा वो गिरते गिरते 0°C हो जाएगा। तांबे द्वारा जो दी गई ऊष्मा होगी वो होगी क्यू बराबर एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी। एम यहां पर तांबे का द्रव्यमान है, एस यहां पर तांबे की विशिष्ट ऊष्मा है, और डेल्टा टी टेम्परेचर में गिरावट है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि मान लिया भट्टी का ताप टी डिग्री सेंटीग्रेड अतः तांबे का ताप भी टी डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तांबे को बर्फ में डाल देने पर तांबे का ताप गिरकर बर्फ के ताप के बराबर होगा। पिघलने के लिए ऊष्मा दी जाए। अतः तांबे द्वारा दी गई उष्मा बराबर तांबे का द्रव्यमान मान लेते हैं एम, वन इंटू तांबे की विशिष्ट उष्मा एस, इंटू तांबे के ताप में कमी डेल्टा टी बराबर। अब ये दी गई उष्मा है और आगे लिखते हैं बर्फ के द्वारा ली गई उष्मा। ये बर्फ उष्मा लेकर के अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा। तो ऐसी स्थिति में ली गई उष्मा के लिए बर्फ का द्रव्यमान मान लेते हैं एम और उसकी विशिष्ट उष्मा एम। तो यहां से हो जाता है 5 ग्राम तांबे का द्रव्यमान है 5 ग्राम और इसकी विशिष्ट उष्मा है 0.1 कैलोरी और डेल्टा टी टेम्परेचर में कमी, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया है टेम्परेचर और कम होकर के 0 हो जा रहा है, क्योंकि तांबा जब बर्फ में लगाया जा रखा जाता है तो तांबे का टेम्परेचर भी गिर करके क्या हो जाता है, बर्फ के टेम्परेचर के बराबर। ये 0°C हो गया और यहां पर
हमारे पास बर्फ का द्रव्यमान है 6.25 इंटू एल 80। अब ये हो गया दी गई ऊष्मा और ये हो गया ली गई ऊष्मा। चूंकि कैलोरीमिति के सिद्धांत में कहा गया है कि दी गई ऊष्मा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है, अतः ये हो जाएगा, अतः ये दी गई ऊष्मा क्या हो गई 5 × 0.1 × T और ये ली गई ऊष्मा हो गई 6.25 × 80। और हमको T का मान निकालना है तो T इक्वल टू लिख सकते हैं 6.25 × 80/5 × 0.1। ये हो जाता है हमारे पास 16 और 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 160, तो हो जाता है 6.25 × 160 और ये बन के आता है 1000। ओ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आंसर बन के आता है हमारा। तो इस तरह से इस सवाल को हम करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा चौथा सवाल था, 65.3 ग्राम द्रव्यमान वाले बर्फ के टुकड़े को एक कैलोरी मापी में जिसका द्रव्यमान 90 ग्राम है और जिसमें 500 ग्राम पानी है डाल दिया जाता है। पानी का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और मिश्रण का अंतिम ताप 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। यदि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो ऐसी स्थिति में जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बर्फ के टुकड़े का द्रव्यमान, बर्फ के टुकड़े का द्रव्यमान, इसको हम लिखते हैं एम डैश से। इसके पहले हमने बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा टॉपिक में कैसे गुप्त ऊष्मा कैलोरी मापी के सहयोग से निकालते हैं उसको देखा था। तो उस टॉपिक में हमने बर्फ के द्रव्यमान को एम डैश से लिया था। आगे जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान इसको हमने लिखा था स्मॉल एम डैश का मान है 65.3 और एम का मान है 500 ग्राम और ये भी ग्राम है। आगे कैलोरी मापी, कैलोरी मापी इसमें वीडियोलक ऑलरेडी लगा हुआ होता है। तो टॉपिक में हमने कैलोरी मापी प्लस वीडियोलक का द्रव्यमान लिया था। तो कैलोरी मापी का द्रव्यमान उसी वीडियोलक भी है, कैलोरी मापी का द्रव्यमान वीडियोलक भी लगा हुआ। तो कैलोरी मापी का द्रव्यमान बराबर 90 ग्राम और इसको हम लिखते हैं एम से 90 ग्राम। ये हो गया। अब जल का ताप, जल का ताप T1 बराबर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली जिस कैलोरी मापी में जल रखा होता है ये ताप T1 कैलोरी मापी प्लस जल का ताप होता है, तो T1 डिग्री सेंटीग्रेड और बर्फ के मिश्रण के बाद ताप, इसको हम T2 से लिखते हैं तो T2 बराबर हो गया 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलोरी मापी तांबे का बना हुआ है और तांबे की विशिष्ट ऊष्मा दी गई है, तो एक तरह से वो कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्मा हो गई। तो कैलोरी मापी की विशिष्ट ऊष्मा
0.1, इसको हम एस से लिखते हैं, एस बराबर 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ये हो गया हमारे पास इतना। और हमसे पूछा गया है एल क्या कैलोरी मापी की गुप्त ऊष्मा, सॉरी बर्फ की गुप्त ऊष्मा, बर्फ की गुप्त ऊष्मा जिसको हम एल से लिखते हैं, ये पूछा गया है। तो पिछले वीडियो क्लिप में हमने बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा जब निकाल रहे थे तो उसमें फॉर्मूले को डिराइव किया था, वहां पर था L इक्वल टू एम प्लस एम इंटू एस इंटू टी वन माइनस टी टू माइनस एम डैश इंटू टी टू बाई एम डैश, ये फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, तो आइए अलग अलग मान रख करके निकालते हैं। यहां से हो जाता है एल इक्वल टू, एल इक्वल टू एम का मान है जल का द्रव्यमान 500 प्लस कैपिटल एम का मान है 90 और इसकी विशिष्ट ऊष्मा है 0.1 इंटू टी वन माइनस टी टू 30, टी वन है और टी टू है 17.5 माइनस एम बर्फ का द्रव्यमान 65.3 इंटू टी टू 17.5 अपॉन 65.3, यहां से आ जाता है L इक्वल टू 500 प्लस 9 इंटू 12.5, इसको घटाएंगे तो माइनस 65.3 इंटू 17.5 अपॉन 65.3 और यहां से मन क्या आता है L इक्वल टू 509 मल्टीप्लाई 12.5 माइनस 65.3 इंटू 17.5 अपॉन 65.3 और ये कैलकुलेशन करने पे आता है L इक्वल टू 62.5 माइनस 1142.75 अपॉन 65.3 इंप्लाइज दैट L इक्वल टू 5219.75 अपॉन 65.3 और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 79.93 और ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया 80 और ये हो जाएगा 80 कैलोरी पर ग्राम, ये आंसर बन गया है। तो इस तरह से हम एक छोटे से फार्मूला जो डिराक फार्मूला है उस फार्मूले पर रख करके हम बर्फ के गुप्त ऊष्मा को निकाल सकते हैं। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन रहा, आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन रहा, 10 ग्राम बर्फ को 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी बनाने में कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम एवं पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है। तो यहां पर 10 ग्राम बर्फ है उसको जल में परिवर्तित करना है
जिसका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। तो पहले तो हम बर्फ को जल में बदलेंगे, तो अवस्था परिवर्तन में जो उसमें खर्च होगी उसको हम लिखते हैं Q बराबर m इंटू एल, m बर्फ का द्रव्यमान और l उसकी गुप्त ऊष्मा। फिर उसके टेम्परेचर में वृद्धि के लिए जो ऊष्मा खर्च होती है वो होगी m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, जहां m क्या है, बर्फ का द्रव्यमान है, s बर्फ की गुप्त ऊष्मा है और डेल्टा टी बर्फ के ताप में वृद्धि है। तो बर्फ का ताप शुरू में 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब उसका ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहां पर जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, तो पहले हम लिखेंगे कि बर्फ को पिघलने ब्रैकेट में अवस्था परिवर्तन, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में अवस्था परिवर्तन में व्यय ऊर्जा, व्यय ऊष्मा की व्यय ऊष्मा क्या Q1 से लिखे अगर, तो Q1 इक्वल टू m इंटू एल, इंप्लाई दैट Q1 इक्वल टू m 10 ग्राम और l 80, तो क्या हो जाता है 800 कैलोरी। ये हमारा हो गया पिघलने में या कहले अवस्था परिवर्तन करने में कितनी ऊष्मा व्यय होगी, 800 कैलोरी। अगला पिघलने के बाद अब जल बन गया, तो जल के ताप में वृद्धि होगी, तो क्या लिखेंगे, जल के ताप में वृद्धि कहां से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, कितनी वृद्धि हो गई 30 की, तब में व्यय ऊष्मा, और इसको हम लिख देते हैं Q2 से, तो Q2 इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी, और यहां से हो जाता है Q2 इक्वल टू m 10 ग्राम, s 1 और डेल्टा टी 30 माइनस 0, क्या हो जाता है 10 इंटू 30, ऐसे हो गया 30 कैलोरी। तो कुल उसमें कितनी हो गई 800 प्लस 10 इंटू 30 इक्वल टू 300 कैलोरी। तो कुल उसमें कितनी व्यय हो गई 800 कैलोरी अवस्था परिवर्तन में और 300 कैलोरी टेम्परेचर के वृद्धि में। तो कुल उष्मा, कुल उष्मा बराबर 800 प्लस 300 कितना हो गया 1100 कैलोरी, ये हमारा आंसर बन किया जाता है। तो ये पांचवा क्वेश्चन है, आइए छठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक बर्तन की उष्मा धारिता 5 कैलोरी प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है, में 95 ग्राम जल 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भरा जाता है, इसमें 0 डिग्री सेंटीग्रेड का 10 ग्राम बर्फ डालने पर मिश्रण का ताप क्या होगा। तो यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ डाल दिया जाता है और जल का ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका आशय यह है कि इस बर्फ के ताप में वृद्धि होगी और यह बर्फ जल तथा बर्तन से उष्मा लेगा और उष्मा लेकर के पहले अपनी अवस्था में परिवर्तन करेगा, उसके बाद अपने टेम्परेचर में वृद्धि करेगा। तो बर्तन और जल से दी गई उष्मा दो जगह खर्च होती है, एक तो बर्फ के अवस्था में परिवर्तन के लिए और दूसरा बर्फ के ताप में वृद्धि के लिए। तो दी गई उष्मा क्या हो जाएगी, या दी गई उष्मा, तो दी गई उष्मा क्या होगी, बर्तन द्वारा दी गई उष्मा उष्माधारिता का आशय यह होता है कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बढ़ाने में कितनी उष्मा खर्च होती है। तो बर्तन की उष्मा चूंकि गिर रही है, तो बर्तन का ताप
बर्तन का ताप गिर रहा है, इसका आशय यह है कि बर्तन द्वारा उष्मा दी जा रही है, तो ये हो जाएगा बराबर बर्तन का द्रव्यमान बर्तन द्वारा दी गई उष्मा बराबर बर्तन की उष्मा धारिता 5, या ऐसे लिख लीजिए उष्मा धारिता गुणे ताप में कम, उष्मा धारिता गुणे ताप में कम। दूसरा, जल द्वारा दी गई उष्मा बराबर जल का द्रव्यमान m इंटू जल की विशिष्ट उष्मा s और गुणे ताप में कम। ये हमारा हो गया दोनों, जल के द्वारा दी गई उष्मा और बर्तन के द्वारा दी गई उष्मा। अब यहां से हम मान लेते हैं कि मिश्रण का ताप 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में 50 डिग्री सेंटीग्रेड बर्तन और जल का ताप था और गिर करके 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो कितनी कमी हो गई, 50 माइनस 3 लिखेंगे उसको, तो क्या हो जाता है बर्तन द्वारा दी गई उष्मा बराबर उष्मा धारिता 5 गुणे ताप में कमी 50 माइनस 3, ये हो गया। इसी प्रकार जल द्वारा दी गई उष्मा बराबर जल का टेम्परेचर है 95, जल का द्रव्यमान है 95, इसकी विशिष्ट उष्मा 1 होती है और टेम्परेचर में कमी 50 माइनस 3, तो कुल दी गई उष्मा बराबर दोनों को जोड़ देंगे 5 × 50 − t + 95 × 50 − t, क्या हो जाता है 5 50 − t कॉमन हो गया और यहां से हो गया 5 + 95, ये हो गया 50 − t × 100, ये दी गई उष्मा हो गई। अब बर्फ क्या करेगा, उष्मा लेगा, क्या लिखेंगे बर्फ द्वारा ली गई उष्मा क्या हो जाएगा m × L + m × S × Δt, तो m कॉमन हो गया, L हो जाता है 80 प्लस S 1 और डेल्टा t 1 गुणे डेल्टा t हो जाता है, पहले बर्फ का टेम्परेचर 0 था अब बढ़कर के टी हो गया, तो डेल्टा टी की जगह केवल टी, क्या हो जाता है बर्फ का द्रव्यमान 10 ग्राम है तो 10 × 80 + t, क्या हो जाता है यहां से 800 + 10t। अब आगे बर्फ द्वारा ली गई उष्मा और कुल दी गई उष्मा दोनों क्या करेंगे बराबर करेंगे, क्योंकि कैलोरी नीति का सिद्धांत यही कहता है, क्या हो जाता है कुल दी गई उष्मा, अतः कुल दी गई उष्मा क्या हो जाएगी 50 − t × 100 = कुल दी गई उष्मा 800 + 10t, यहां से हो जाता है 5000 − 100t = 800 − 10t, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं क्योंकि टी का मान निकाला और इसको इधर ले आते हैं, क्या हो जाता है 5000 − 800 = 100t + 10t, क्या हो जाता है 110t = 4200, और t = आ जाता है 0.1 °C, ये हमारा आंसर बन के आता है। तो इस तरह से हम आज 6 क्वेश्चन को किए, एक तरह से इस चैप्टर के सभी प्रकार के क्वेश्चन
यहाँ पर आप देख लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के टॉपिक से आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हमारा हौसला अफजाई होता रहे ताकि हम इस तरह के वीडियो क्लिप को आपके बीच प्रोवाइड कराते रहें। तो आज बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।